शहर लौट रहा है अपने घरों की ओर, शहर लौट रहा है अपने अपने घरों की ओर, लद कर बसों में तो सिमट कर गाड़ियों में, रिक्शा में तो पैदल बहता फुटपाथ पर, ताकि ताकि मर सके कुछ देर फिर से कल को जीने को। शहर थकता नहीं है क्योंकि शहर के पास बहुत बड़े चमत्कार आंखों को चुंधियाने वाले बाग हैं, जिन्हें देखने के लिए शहर लोगों को रेलगाड़ियों में भर कर आने को कहता है। दरअसल शहर घर जाते हुए अक्सर सहमा रहता है, उसे शक होता है, बम शम जैसी चीजों का डर सताता है, लेकिन शहर का कुछ अंश अब इस डर से भरी भांति मित्रता गांठ चुका है। कभी कभी वो बम न फूटने से सहम जाता है, रक्तपात का कुछ कुछ वो अब आदि हो चुका है, शहर के पास हर वक्त एक मुखौटा रहता है। आस्तीनों में अपने पैंट की पिछली जेबों में, जिसे वो अपनी चार दीवारी में पहुंचकर ठीक सोने से पहले बड़ी अदब से अपने नाम से तकिए के नीचे छुपा देता है, ताकि सुबह उठकर वो फिर से लगा सके, पहन सके किसी दूसरे को। इस बात का गिल्ट उसे होता है, लेकिन वो किसी कुशल फिलोसोफर की तरह अपने गिल्ट का रूपांतरण करना जानता है, क्योंकि क्योंकि शहर के पास जगत का पूरा ज्ञान है, उसे गूगल करना आता है। वो विकसित देशों की अनेकों ढेर सारी फिल्में देख चुका है, उसके घर में खूब सारी किताबें हैं, महान महान लेखकों की रचनाएं वो चाटता है, शहर किताबी कीड़ा है। शहर खुद को बहुत प्रैक्टिकल बताता है, शहर बताता है कि वो भगवान या गॉड जैसे किसी शय में यकीन नहीं करता, वो बस खुद ही को जानता, खुद ही बड़ा है, मानता है, बड़ी किताबों में भी ये लिखा है, आखिर राखर पहचानता है। परंतु यदा कदा वो नजरे बचाकर हनुमान चालीसा भी पहुंचता है। शहर को नीली रोशनी बहुत पसंद है, वो उस नीली रोशनी ने ना चाहते हुए भी भीड़ के साथ हंसना जानता है। वो जानबूझकर ऐसी जगहों पर जाता है जहां उसके आसपास ढेर सारे लोग हों, क्योंकि अकेला पाकर अपने आप को वो किसी मेले में खोए बच्चे साथ रो देता है। हालांकि उसे कमजोर दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शहर छोटी छोटी परेशानियों से ऊब जाता है, वो बड़ी बड़ी उलझने चाहता है, इसी को वो तरक्की बताता है। शहर तरक्की के लिए किसी का भी गला घोंट सकता है। शहर बहुत सख्त है, शहर लोहा है, उसे किसी पर भी एतबार नहीं होता, उसकी नजर में सब शातिर हैं, सब चोर हैं। शहर का सीना पत्थर का है, जिसके पॉकेट में एक महंगा संवेदनशील फोन होता है। शहर बीमार, शहर सोता नहीं है, शहर की आंख बोझिल है, बोझिल आदमी के वो लौट रहा है, शहर के झूले में नींद की ढेर सारी गोलियां है, वो देखो शहर लौट रहा है अपने अपने घरों की ओर, लग कर बसों में सिमट कर गाड़ी में रिक्शा में पैदल बहता फुटपाथ पर, शहर लौट रहा है। थैंक यू। क्या बात है, मतलब लिखो यार, और लिखो, हम चाहते हैं कि एवरी महीना आप कुछ नया लिखो ताकि हमें मजा आए। 100 रुपए दिए आप ही वसूल करवा दे सर, समझ रहे हैं, हम 100 रुपए सिर्फ आपको सुनने आते हैं देते हैं, यू नो दैट राइट, सो प्लीज प्लीज अब एक